नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप अपना गैस लाइटर सेफली और इजीली क्लीन कर सकते हैं। सेफली इसलिए कि बहुत सारा लोग देखा थे कि बेकिंग सोडा से ऐसे इसको मतलब क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अंदर अगर पानी चल जाता है तो ये डैमेज हो जाता है और काम नहीं करता है। तो मैं इसको आसान तरीका और सेफ तरीका बताऊंगा कैसे आपको इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टकरी लेना है इस तरीके का, और यहाँ पर आपको ये जो आपको कैरोसिन दिख रहा है, कैरोसिन लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैरोसिन ले लेता हूँ। कैरोसिन तो हर घर में इजीली मिल जाता है, तो इतना सा काफी है। और उसके बाद एक पुराना टूथब्रश जो काम नहीं आता है तो और आप ले सकते हैं, और ऐसे आपको इसको क्लीन करना है। ठीक है, कि कैरोसिन जो होता है ऑयल होता है, और अगर अंदर चला भी जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है होता है, क्योंकि बाद में ये वो कैरोसिन इजीली हवा के साथ मिस जाता है, थोड़ी देर बाद सूख जाता है। तो ऐसे आपको इसे क्लीन करना है। ऐसे आप अंदर भी यहां से क्लीन कर सकते हैं, और जहां भी है थोड़ा देर इसको वेट कीजिए। ऐसे लगाने के बाद तो क्या होगा, जो मैल है इजीली चला जाएगा। और यहाँ पे जो किचन में जो मैल होता है वो ज्यादातर ऑयली होता है, और कैरोसिन से वो आसानी से चला जाता है। और जो बहुत मतलब पुराना मैला है जो ऑयल से भी नहीं जा रहा है, वहां पर आप ब्लेड यूज कर सकते हैं उसको हटाने के लिए, तो बहुत आसानी से तब चला जाएगा। देखिए, जो मतलब ज्वाइन का मैला है जो बहुत टाइट हो गया है, उसको आप ब्लेड यूज कर सकते हैं। तो और थोड़ी देर आपको वेट भी करना है। ऑयल यूज करने का फायदा यह है कि खराब नहीं होगा। आप कैसे भी इसको ऑयल को यूज, पानी में क्या होता है खराब होने का बहुत चांस होता है। देखिए, बहुत ये जो है बहुत साफ हो गया है, तो और भी थोड़ा बाकी है, उसको और थोड़ा साफ कर देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और बाद में इसको हम जला के भी देखेंगे कि ये जल रहा है। हाँ, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद आपको कपड़ा से इसको ठीक से पोंछ देना है, और उसके बाद इसको धूप में थोड़ी देर रखना है, क्योंकि जितना भी कैरोसिन अगर अंदर गया भी होगा तो वो हवा के साथ बाहर आ जाएगा। तो इसको हम अभी धूप में रख देते हैं, उसके बाद आपको इसको ट्राई करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं ये ऑयल लाइटर है जिसको मैंने वॉश किया, तो इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। अभी मैं इसको जला के दिखाते हूँ कि अभी ये काम कर रहा है, और इसका अंदर बहुत कैरोसिन भी चला गया था तो तब भी ये काम कर रहा है। उसको मैंने धूप पे रखने के बाद देखा कि चले ठीक से चल रहा है। तो इस तरीके से आप वॉश कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। पानी यूज करने में प्रॉब्लम होता है बहुत, कि उसके बाद खराब हो जाता है, तो इस कैरोसिन से आप इसको वॉश कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।